हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी अचार की। गाजर, मूली और हरी मिर्च का हम अचार डालेंगे। बहुत ही मिनटों में डल जाता है ये अचार। कुछ 10 से 15 दिन इसकी शेल्फ लाइफ है और सर्दियों का बेहद पसंदीदा अचार है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज। मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। 400 ग्राम मैंने यहाँ पे गाजर ली है पतली, 400 ग्राम मैंने यहाँ पे मूली ली है थोड़ी सी मोटी और 150 ग्राम मैंने हरी मिर्च ली है तीखी। इन तीनों चीजों का रेशो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सभी के छिलके उठार के, गाजर और मूली के छिलके उठार के उनको मैंने फिंगर साइज में काटा है और हरी मिर्च को थोड़ा छोटा काटा है। इन्हें आप 2 घंटे पंखे के नीचे सुखा दीजिए और उसके नीचे कपड़ा बिछा दीजिए तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। इनमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए और काटने से पहले ही आप इन्हें धो ले जिससे कि अच्छे से सूख जाए। अब आप मसाले देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच पीली सरसों के दाने और 1 पिंच लिया है मैंने हींग। अब हम सभी मसालों को जो पाउडर फॉर्म में नहीं है उन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पैन को गरम करिए और मीडियम फ्लेम पे सारे आपके खड़े मसाले रोस्ट कर लीजिए। मैंने सौंफ कर ली है। अब मैं यहाँ पे मेथी दाने को रोस्ट कर रही हूँ। मेथी दाना जैसे ही हल्की स्मेल देने लगे आप निकाल लें। यहाँ पीली सरसों कर रही हूँ मैं। कई लोग काली सरसों यूज करते हैं अचार में लेकिन उससे अचार काला बनता है, आप पीली सरसों यूज करें। सारे मसाले भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हींग का पाउडर और अमचूर का पाउडर भी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं नमक को रोस्ट करूंगी। कई लोग नमक को बिना रोस्ट किए अचार में डालते हैं। बिना रोस्ट करे जब आप नमक डालते हैं तो अचार में जल्दी फंगस आ जाती है। यहाँ मैंने गरम पैन के अंदर सिर्फ अपने नमक को डाला है और मैं उसे फैला के गरम कर रही हूँ। सिर्फ गर्माहट चाहिए, उसका कोई कलर चेंज नहीं करना है हमें। अब आप नमक को भी सारे स्पाइसेस में मिला दें। इन सभी मसालों को आप अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। कुछ 5 से 10 मिनट में ये सब ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही आपके सारे मसाले ठंडे हो जाते हैं आप एक चटनी जार ले लीजिए और उसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस मिक्स करके पीस लीजिए। आप चाहें तो बाकी जो पाउडर्ड फॉर्म में मसाले थे उन्हें बाद में भी डाल सकते हैं। मैंने पीसते समय इसलिए डाला है जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इनको 2 से 3 बार चला लूंगी। थोड़ा कोर्सली ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे हम इसका। पल्स पे चलाइएगा जब आप इसका मिक्स बनाते हैं तो। अब यहाँ हमारा पाउडर तैयार है, कोर्सली ग्राइंड किया है मैंने इसे। अगर आप बिल्कुल बारीक मसाला पसंद करते हो अचार पे तो आप अपने हिसाब से पाउडर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे मसाले में सौंफ और थोड़े मसाले खड़े दिख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे अचार का मसाला रेडी है। अब हम शुरू करेंगे अचार बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 150 ml आप सरसों का तेल लें। सरसों के तेल में अचार का फ्लेवर सबसे अच्छा आता है। अगर यही आप किसी रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे तो आपको टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे ही आपका तेल में धुआं उठने लगे आप गैस को बंद कर दीजिए। सरसों के तेल की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है इसलिए उसे एक बार धुआं उठने तक जरूर पकाएं और गैस को ऑफ कर दें। यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दी है और अब मैं स्पैचुला से हिला के तेल को थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। तेल ठंडा होते ही मैं इसके अंदर सबसे पहले हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च को पहले डालने से हरी मिर्च थोड़ी सी पक जाएगी, कुछ 10 से 15% पक जाएगी। थोड़ी सी मिर्च के पकते ही आप अपने गाजर और मूली भी डाल दें। गाजर और मूली को डालने के बाद अच्छे से हिला लें। इस समय हमारे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा है। आप अच्छे से मिलाने के बाद अब आप 4 से 5 बड़े चम्मच हमारा बनाया गया अचार का मसाला डालें। अच्छे से मिलाते रहिए क्योंकि अचार का मसाला नीचे बैठ जाता है।
जितना आपको जरूरत लगे उतना आप अचार का मसाला डालें। मैंने कुल 5 चम्मच अचार का मसाला डाला है। बचे हुए मसाले को आप किसी और अचार में यूज कर सकते हैं। अचार का मसाला आप अपने अकॉर्डिंग तीखा या खट्टा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो अमचूर का पाउडर आप इसमें और ज्यादा कर सकते हैं। मैंने सारे मसाले मॉडरेट रखे हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप एक बड़ा चम्मच विनेगर का डाल दें। कोई भी सिरका जिसमें कोई कलर ना हो आप उसका यूज करें और विनेगर डालने के बाद एक बार और अच्छे से अचार को मिला दें। कोशिश करें अचार को जिस बर्तन में बनाया है उसी बर्तन में ओवरनाइट छोड़ दें। ऐसा करने से अचार को अच्छे से स्पेस मिल जाती है और सारे मसाले अच्छे से गल जाते हैं। बहुत जल्दबाजी ना करें अचार को भरने में। आप इस अचार को नेक्स्ट डे खा सकते हैं। वैसे ये इंस्टेंट अचार है, आप चाहें तो इसे हाथों हाथ भी खा सकते हैं। लेकिन इस अचार का मजा ज्यादा अच्छा जब आता है जब ये ओवरनाइट मसाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस मसाले की खासियत ये है कि गाजर और मूली का क्रंच बना रहता है। आप इस अचार को फ्रिज में ना रखें, कोशिश करें 10 से 15 दिन के अंदर ही आप इसे खा लें। इस तरह से कंटेनर के अंदर स्टोर करें जिससे कि फंगस ना आए, और आप कंटेनर को हमेशा विनेगर से ब्रश कर लें और फिर अपना अचार को स्टोर करें। ऐसा करने से आपका अचार लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अचार की ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए, और अगर आप कोई और अचार भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। For more interesting recipes, you can follow and subscribe my channel. You can follow me on Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. If you like this recipe, give it a thumbs up and do subscribe my channel. Share more and more. Thank you. Thanks for watching.